खबर रीवा जिले से है, जहां एक बार फिर किसान उग्र होकर सड़क जाम कर दिया है। दरअसल मामला करहिया मंडी का है, जहां किसान अपनी उपज लेकर बेचने पहुंचे थे, लेकिन मंडी प्रबंधन ने तौल कराने से इनकार कर दिया था। इसके बाद आक्रोशित किसानों ने ट्रैक्टर ट्राली सड़क पर लगाकर जाम कर दिया। घटना की जानकारी लगते ही नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और समझाइश दिया है। बताया जाता है कि शासन ने धान खरीदी के लिए इस वर्ष नियम बदलते हुए गोडाउन और अन्य खरीदी केंद्रों में बेचने का निर्देश दिया है, लेकिन किसान मंडी पहुंच गए थे जिनकी तौल नहीं हो रही थी। किसानों की मांग थी कि जो अनाज लेकर किसान मंडी पहुंचे उसकी यही खरीदी की जाए और आने वाले समय में अब मंडी के अंदर प्रवेश ना दिया जाए। मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने आश्वासन दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ है। दिखाते हैं किसानों का आक्रोश और सुनाते हैं मंडी अधिकारियों के साथ नायब तहसीलदार श्री शुक्ला ने क्या जानकारी दी है। रोड पूरी खत्म है भाई, रोड पूरी खत्म है कि नहीं हो रही है ना, ताऊ का तबो के नहीं रास्ता है ना, भाई लोग ग्रैंडेड है किसी का। अनिल साकेत नाम है। हम लोग शनिवार को आए यहाँ, शनिवार और रविवार मंडी बंद थी, आज मंडे को मंडी चालू हुई। यहाँ सुबह से हम लोग 4 बजे से जगे हुए हैं, यहाँ ना कोई अधिकारी आया ना कोई आया। हम लोग गेट पर्ची भी है ये और स्लॉट बुकिंग भी है, ये है ये है, ये गेट पर्ची है, स्लॉट बुकिंग है, रजिस्ट्रेशन है, ये यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोगों की समस्या क्या है क्या नहीं है वो आप लोग भी जानते हैं, इसलिए हम लोग रोड में खड़े हैं। आज सुबह एक बार चालू हुआ 10 मिनट के लिए, 50 ट्राली की धान नीचे उतर चुकी है और उसके बाद बंद कर दिया गया। 4 बोरी धान तौली है, आप देख जाके देख सकते हैं 4 किसानों की। उसके बाद 50 ट्राली धान नीचे ज़मीन में उतार दी गई है, अब उसको क्या किया जाए। अधिकारियों से क्या मांगे आप? अधिकारियों से मांग ये है कि जितना माल यहाँ आ चुका है उतने की तौल हो जाए, उसके बाद यहाँ लिस्ट लगा दी जाए, जो केंद्र चेंज हो गए हैं उनको वहाँ भेजा जाए, जो यहाँ केंद्र है उनको यहाँ बुलाया जाए। ये समस्या किसानों की समस्या है, लापरवाही प्रशासन की है। ये किसानों की मांगे हैं कि जो धान यहाँ पर आ गई है, वास्तव में क्या है कि मंडी का केंद्र परिवर्तन किया गया है, गोदामों में खरीदी के लिए आर्डर जिला प्रशासन का हुआ है। उसमें क्या है कि किसान ये चाहते हैं कि जो माल यहाँ पर आ गया है, मंडी गेट में एंट्री हो गया है और अंदर चला गया है, या गाड़ी में खड़ा है या कि नीचे गिरा दिया गया है, ये हमारा तौलबा लिया जाए, नए सिरे से कोई भी एंट्री न दी जाए, हम और लोग जो भी बचा हुआ है माल वो सब लोग गोदाम ले जाएंगे। ऐसी मांग की थी जिला प्रशासन के तरफ से, तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है और उन्होंने निर्देशित किया है मुझे कि आप इनकी जो आ गया हमाल उसकी तौल कराएं और अब आगे एंट्री बंद कर दें, जिस केंद्र में जिसको जहां भी गोदाम में दिया गया है किसानों को, वो अपने वहां ले जाएं बेचने के लिए। चक्का जाम भी किया गया था। हाँ, चक्का जाम किया गया था, जिला प्रशासन आए हैं और बातचीत उनसे किए हैं, उन्होंने निर्देश जारी किया है। नाम बता दीजिए अपना। विष्णु शुक्ला, मंडी सचिव। नमस्कार रीवा, मैं हूं भानु पंडित और मैं हूं अनीता भट्ट और हम आ रहे हैं आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शाम में गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए, और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। So, see you all there.